अस्सलाम वालेकुम सबाज विस क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह निज़ामी दम का चिकन और शाही दरबारी राइस बनाएंगे। तो ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे अपने डेली मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, दावतों के लिए बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम 1.5 किलो चिकन लेंगे, 1.5 kg आप चिकन लीजिए, बोन्स वाला चिकन है, और उसमें हमने डाला है 1 टीस्पून नमक। सबसे पहले हम नमक डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे 2 नींबू का रस। 2 नींबू का रस डालने के बाद 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कीजिए और फिर इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए 1/2 टीस्पून, और 2 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अपने हाथों से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और देखिए ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 तली हुई प्याज हैं उन्हें अपने हाथों से हम क्रश करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसमें 1.5 कप दही डालेंगे, यानी 1.5 कप दही हमने इसमें डाल दिया। और 15 से 20 बादाम हैं, 15 से 20 काजू लीजिए और उसमें डाल दीजिए 1/2 कप दूध। 1/2 कप दूध डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये 1/2 कप नारियल का पाउडर। देखिए मैंने इसमें नारियल का पाउडर डाला, अब हम इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। पीसने के बाद देखिए मैंने इसे बिल्कुल दरदरा पीसा है, यानी मोटा मोटा पीसा है। तो ये दरदरा पीसा हुआ जो सारा मसाला था वो हमने इसमें ऐड किया, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और देखिए ये मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून शाजीरा और 3 से 4 हरी इलायची और 4 लौंग आप इसमें ऐड कीजिए, और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये 3 टेबलस्पून हरा धनिया और 3 से 4 टेबलस्पून पुदीना। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड की। अब सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, सारे पीसेस पर ये सारा मसाला लगना चाहिए, और अपने हाथों से मिक्स करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप तली हुई प्याज का तेल। तली हुई प्याज का तेल हमने इसमें ऐड किया, और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। अगर आप देसी घी कम्प्लीटली डालना चाहते हैं या फिर आधा आधा डालना चाहते हैं तो 1/4 कप देसी घी, 1/4 कप तेल डालिए, या फिर कम्प्लीटली आप देसी घी डालें और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है, हमने इसे मिक्स कर लिया। फिर आप क्या करें, गेहूं का गूंदा हुआ आटा साइड से लगा दें क्योंकि हमें दम देना है, आप चाहें तो सिल्वर फॉइल भी लगा सकते हैं। और इसके बाद आप इस पर 4 साबित हरी मिर्चें डालें, चीरे नहीं, और इसे इस तरह मिक्स करें, और उसके बाद इस पर ढक्कन लगा दें, और ढक्कन लगाकर एक तवा आप गैस पर रखें, और तवा गर्म होने के बाद ये पतीला इस पर रखें, और पहले हाई फ्लेम पर आप इसे 15 मिनट पकाएं, और फिर धीमी आंच पर आप इसे 45 मिनट से 1 घंटे तक छोड़ दें। उसके बाद आप इसे खोल कर देखें, इतना बेहतरीन चिकन तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसे हम स्मोक करेंगे। तो एक जलता हुआ कोयला एक कटोरी में रखिए, उस पर थोड़ा सा घी या बटर डालिए और उसके बाद ढक्कन ढाँक दीजिए। जैसे ही धुआं निकलने लगेगा ढक्कन ढाँकिए और इसे 10 मिनट इसी तरह से रहने दीजिए। 10 मिनट बाद आप ढक्कन खोलिए, बेहतरीन स्मोकी निज़ामी दम का चिकन बनकर तैयार है। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ताकि इसमें और ज़्यादा फ्रेशनेस आ जाए। ओके, तो देखिए ये हमारा चिकन बनकर तैयार है, अच्छी तरह से गल गया है और मसाले भी बहुत ही ज़बरदस्त से पके हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और भी सुखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे बना लिया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। इस मज़ेदार से चिकन को हम सर्व करेंगे एक स्पेशल राइस के साथ, और ये है दरबारी राइस, शाही दरबारी राइस हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 कप कोकोनट लिया है, सूखा नारियल कटा हुआ, और 7 से 8 हरी मिर्चें ले लीजिए, और 4 से 5 हमने 5 हरी इलायची ली है, और 6-7 लौंग लेने हैं हमको, और 2 इंच की दालचीनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, पीस लेनी है। तो मैंने एक मिक्सर का जार लिया, उसमें नारियल डाला और हरी मिर्चें डालकर इसमें पीस लिया। सभी चीज़ें डालकर हमने इसमें इसे पीस लिया, और इसमें अब थोड़ा सा पानी डालिए और फिर से इसे पेस्ट बनाकर फिर आप इसे छान लीजिए। देखिए सारी चीज़ें मिलाकर हमने पीस ली, और पीस कर हम इसे छान रहे हैं, और छान कर देखिए जो नीचे जूस निकलेगा इसका उसे हम एक तरफ रख लेंगे। और देखिए अब हम एक पतीले में पानी गर्म करेंगे,
यहाँ पर मैं चार ग्लास पानी गर्म कर रही हूँ, उसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टेबल स्पून नमक डालेंगे, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। और जब पानी उबलने लगेगा तब आप इसमें डाल दीजिए 1.25 किलो यानी 750 ग्राम बासमती चावल भीगे हुए। भीगे हुए बासमती चावल डालकर आप इसे हाई फ्लेम पर पका लीजिए। हाई फ्लेम पर आप इसे अच्छी तरह से पका लीजिए जब तक के चावल ये 80% तक नहीं पक जाते, यानी 80% चावल पकने तक हमने पका लेना है, यानी दम के थोड़ा सा करीब जब तक चावल होंगे तब तक हमने इसे पका लेना है। और जब ये 80% पक जाएंगे तब आप इसे छान लीजिए यानी निथार लीजिए। पानी हमने इसे इस छान लिया है और उसके बाद हम वापस से उसी पतीले में ये चावल डाल देंगे और डालकर आप इसे बराबर कीजिए। ठीक है, चावल को बराबर कीजिए और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून देसी घी, या फिर आप थोड़ा सा और ज़्यादा भी डाल सकते हैं देसी घी, 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें देसी घी डालें। देसी घी में अच्छी तरह से चावल में मिक्स कर लें, इससे इसका फ्लेवर बढ़ेगा। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए जो खोपरा यानी नारियल, हरी मिर्च और लौंग और दालचीनी का जो जूस था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढाँक देंगे और ढाँक कर हम इसे 2 मिनट हाई फ्लेम पर और 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। उसके बाद देखिए बहुत ही बेहतरीन से राइस तैयार हो जाएंगे, एकदम इसका डिफरेंट टेस्ट रहेगा। और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए हरा धनिया और पुदीना। हरा धनिया पुदीना डालकर आप इसे मिक्स कीजिए अच्छी तरह से। देखिए कितने खिले खिले चावल हैं और इसका फ्लेवर ना बहुत ही डिफरेंट आएगा। देखिए अब हम इसे अब मिक्स कर रहे हैं, हरा धनिया और पुदीना मिक्स करेंगे और ये हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। तो हम इसे सर्व करेंगे निज़ामी दम के चिकन के साथ। तो ये स्पाइसी सा निज़ामी दम का चिकन सर्व किया जाएगा दरबारी राइस के साथ। और ये जो दरबारी राइस है बहुत ही शानदार लगते हैं, बिल्कुल इसका फ्लेवर लाइट है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सूट करेंगे क्योंकि ये है हेवी, ये मसालेदार है और बिल्कुल लाइट से ये चावल है जिसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये निज़ामी दम का चिकन और उसके साथ ये हमारे दरबारी राइस। तो आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। देखिए ये चिकन भी कितनी अच्छी तरह से गल गया है और चावल भी बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।